में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा कि बीम ऑफ लाइट क्या होती है, रे ऑफ लाइट क्या होती है? हाँ क्यों, समझ में तो आ रहा होगा ना कि रे ऑफ लाइट क्या होती है और बीम ऑफ लाइट क्या होती है। बहुत ही सिंपल है बेटा, आप लोग को बस थोड़ा सा समझना है कि जब सिंगल एरो आपको दिखेगी, ये ऐसे सिंगल एरो दिखेगी, ठीक है, तो आप लोग तुरंत बोलिएगा कि ये है आपकी क्या, रे ऑफ लाइट। क्या है? रे ऑफ लाइट। कहीं पर लाइट के बारे में जब आपसे बात करेगा तो ये सिंगल आपकी एरो दिखेगी, तो आप बोलिएगा रे ऑफ लाइट। और जब आपको बहुत सारी एरो एक साथ दिखेंगे तो ये आपकी कहलाएंगे बेटा बीम ऑफ लाइट। क्या कहलाएंगे? बीम ऑफ लाइट। हाँ ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपके बुक में और पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज ड्राइग्रामेटिकली रिप्रेजेंट अ बीम ऑफ लाइट। द बीम ऑफ लाइट इज इमिटेड फ्रॉम एन एक्सटेंडेड और अ ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट, ए टॉर्च, अ बल्ब, अ कैंडल एंड अ सन आर सम ऑफ द एक्सटेंडेड और द ब्रॉड सोर्सेस ऑफ लाइट। ये सब सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट के कुछ सोर्स हैं जिसमें आपका दिखा रहा है बेटा कि आपका टॉर्च लाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकता है, ठीक है, सन है आपका, ठीक है, इन सब के पास लाइट है, बहुत सारी लाइट्स हैं, ठीक है। अब ये अलग बात हो गई कि किसके पास आपकी किस प्रकार की लाइट है, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करने चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे कह रहा है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी फॉर्म्ड, सॉरी कहाँ तक पढ़े थे भाई, अच्छा यहाँ पढ़ रहा है अ पॉइंट सोर्स स्मॉल सोर्स, ठीक है, इमिट अ रे ऑफ लाइट। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी फॉर्म्ड बाई प्लेसिंग अ पिन होल इन फ्रंट ऑफ अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। द बीम ऑफ लाइट कैन बी ऑफ थ्री टाइप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं कि जो आपके बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है बेटा, ये आपकी कह रहा है कि थ्री टाइप की, वन टू एंड थ्री, ठीक है। थ्री टाइप में क्या क्या है? एक है बेटा आपका पैरेलल, पैरेलल ठीक है, इसको पैरेलल पढ़ा जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका कन्वर्जेंट और तीसरा है आपका बेटा डाइवर्जेंट। ठीक है, ये आपका दिया गया है, ठीक है, बता रहा है कि जो आपके बीम ऑफ लाइट है बेटा ये आपकी थ्री टाइप की है। नंबर वन है आपका पैरेलल और नंबर टू है आपका कन्वर्जेंट और नंबर थ्री है आपका डाइवर्जेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पैरेलल लाइट की बात करूंगा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होती है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें बेटा आपसे। पैरेलल का मतलब क्या होता है बताइए, पैरेलल का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है थोड़ा बहुत? बता बेटा बोलो, कुछ बता सकते हैं आप लोग थोड़ा बहुत? इतना सा, इतना सा कुछ तो बताओ भाई। हाँ पैरेलल का मतलब होता है बेटा बराबर या समांतर, ठीक है। क्या होता है? बराबर या पैरालेल का मतलब होता है या तो इक्वल कहेंगे आप, मीन्स बराबर कहेंगे, या फिर आप कहेंगे कि समांतर है, ठीक है, समांतर ज्यादा अच्छा होता है इसके लिए। ऐसे ये आपकी है बेटा पैरालेल बीम ऑफ लाइट। कौन सी लाइट है ये? पैरालेल
बीम ऑफ लाइट क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। क्या है पैरेलल बीम ऑफ लाइट? समझ में आया बेटा? पैरेलल बीम ऑफ लाइट समझ में आया? समझ में आया? ये समझ में आया? ये है आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आगे बात करते हैं। दूसरा आपका क्या है? कन्वर्जेंस। क्या है बेटा? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है आपकी। ठीक है, क्या है? हाँ ठीक है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बेटा ये होती है, मतलब आपको लगेगा कि जितनी भी आपकी बीम ऑफ लाइट है एक पॉइंट पे आकर के मिल रही है। क्या लगेगा? एक पॉइंट पे आपको जो ये बीम ऑफ लाइट है ये क्या हो रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है। इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूं। पहले आप लोग बेटा ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे, याद है? खरीदते थे ज्योमेट्री बॉक्स, अभी भी खरीदते होंगे। क्यों खरीदते हैं? उसमें एक बेटा लेंस मिलता था, ऐसे ऐसे होता था। ऐसे एक लेंस होता था, मिलता था। याद आया कुछ? लेंस दिखा आपको कुछ? ऐसे मिलता था आपको कुछ? लेंस मिलता था मोटा सा, कुछ याद आया? हाँ बेटा, इसको जब आप जो सनलाइट होती है जब आप आती है, मतलब जैसे सनलाइट कहीं पे आपकी सूर्य की रोशनी के सामने ऐसे उसको जब आप रखते थे तो उसको आप देखते थे कि उसमें से बहुत सारी लाइट पास होने के बाद एक डॉट सी ऐसे दिखता था, ऐसे छोटा सा डॉट दिखता था, ठीक है? और उसको अगर आपने हाथ पे या कहीं पेपर वगैरह पे रखे तो जलता था, वो बहुत तेजी से जलता था। याद आया कुछ? क्यों? कुछ याद आया बेटा? हाँ थोड़ा बहुत, कुछ नहीं याद आ रहा? आप लोग नहीं देखे हैं, मतलब आप लोग देखे नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को स्कूल में दिखाऊंगा, मुझे याद करवाइएगा, ठीक है? इसको मैं इससे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको स्कूल में, ठीक है? मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कैसी होती है। ये लेंस मैं आपको लेकर के आऊंगा और आपके साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है? मुझे रिमाइंड करवाइएगा, स्कूल ओपन होने वाला है कुछ दिन में। हाँ ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जेंट हो गया, मतलब जब बहुत सारी लाइट्स हैं जो आपकी रेज हैं, ठीक है, जो आपकी बहुत सारे रेज हैं किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत हो, दिखाई पड़े कि किसी एक पॉइंट पे आकर के सब इकट्ठा हो जा रही हो, ऐसे ठीक है, इकट्ठा हो जा रही हो, तब आपकी बेटा ये कहलाती है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहलाती है? सॉरी डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट, सॉरी। क्या क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट का मतलब बेटा फैलाव होता है। देखो जब यही रेज आप जो आपकी रेज हैं बाहर की तरफ भागती हुई दिखाई पड़ेंगी, ऐसे ठीक है, मतलब देखो इधर से तो आई, यहाँ पे इकट्ठा हो गई, तो यहाँ पे आपका हो गया कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे जब आकर के फैल गई तो ये आपका हो गया डाइवर्जेंट। क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? कुछ समझ में आ रहा है बेटा?
ये कुछ समझ में आ रहा है? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, हाँ, पैरेलल, कुछ समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ गया तीनों? चलो कौन हबीबा हो? हबीबा, चलो बेटा बताओ हमको कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होती है और कन्वर्जेंट क्या होती है, डाइवर्जेंट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपनी भाषा में बताओ आप हमको। चलिए बताइए, बताओ बेटा। जो भी आपको समझ में आ रहा है बताओ। लेफ्ट हो गई है। अच्छा आपको का क्या नाम है बेटा? हाँ मुबास्तरा बेटा, चलो आप बता दो, समझ में आया ना? चलो कुछ, चलो कुछ अपने भाषा में आप हमको बताओ थोड़ा सा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होती है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होती है, बताइए थोड़ा थोड़ा जो भी आपको आ रहा हो। यस कम ऑन बेटा, समांतर, ठीक है? पैरेलल का मतलब समांतर, एकदम एक दूसरे के ऊपर ट्रेवल करेंगी ना, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? हाँ हाँ बराबर या एकदम से, ये पैरेलल समांतर बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? इसको पैरेलल बोला जाता है। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। आगे बताओ, कन्वर्जेंट के बारे में बताओ थोड़ा सा। बोलो मुबासरा, जी हाँ बोलो बेटा। हाँ इकट्ठा हो रही हूँ, रेज जो है आपकी एक पॉइंट पे इकट्ठा होती हुई प्रतीत हो, ठीक है? कैसे? ऐसे ना। देखो एक पॉइंट पे इकट्ठा होती हुई हमको प्रतीत हुई, ठीक है? ये आपके क्या कहलाएंगे? कन्वर्जेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वेरी गुड बेटा, हाँ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है? दूसरा कौन और कौन ज्वाइन किया बेटा, नाम बताओ अपना। अहद, अहद बेटा आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। हेलो आहत बेटा, आवाज आ रही है? ठीक है चलो, कुछ समझ में आया बेटा आपको? पैरेलल और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कुछ समझ में आए बेटा? क्यों नहीं आया हो? कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, बताओ। आया बेटा? आप क्लास लेट ज्वाइन किए, इसी का रीजन है आपको नहीं आ रहा है ना, ठीक है? देखो ये जब इक्वली बराबर एक दूसरे के इक्वल पैरेलल समांतर जब आपकी रे ऑफ लाइट मूव कर रही हो या रन कर रही हो तो आपकी वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहलाती है, और जब किसी एक पॉइंट से होकर के जाती हुई प्रतीत हो, जो ये रे ऑफ लाइट है किसी एक पॉइंट से होकर के जाए, तो बेटा इसको आप बोलते हो क्या? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हो? कन्वर्जेंट, हाँ ठीक है, समझ में आया बेटा? हाँ समझ में आया, समझ में आया दोनों? आहद समझ में आया बेटा?
बोल नहीं रहा है कुछ। चलो कोई बात नहीं है बेटा, चलो मुबासरा डाइवर्जेंट बताओ बेटा। हाँ डाइवर्जेंट बताओ। हाँ फैलती हुई दिखाई पड़े ना किसी एक पॉइंट से, ये कुछ ऐसे, ठीक है, इसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी गुड बेटा। चलो आपको समझ में आया बेटा, आप लोग भी थोड़ा सा वीडियो अपलोड होगा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है, कि सबसे बोर्ड इज नॉट क्लियर बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा थोड़ी सी, आपके यहाँ भी हो सकती है, मेरे यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, बाद में समझ में आ जाएगा बेटा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब रेज आपकी पैरलर जाती हुई दिखाई पड़े, ठीक है, ऐसे, तो ये पैरलर बीम ऑफ लाइट कहलाएंगे, ये पैरलर बीम ऑफ लाइट कहलाएंगे। जब ये किसी एक पॉइंट से, ठीक है, बाहर की तरफ फैलती हुई दिखाई पड़े, तो बेटा आप वहां पर जान लीजिएगा कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। और जब यही लाइट किसी एक पॉइंट पे आकर के मिलती हुई दिखाई पड़े, ऐसे, ठीक है, इनको कन्वर्जेंट बोला जाता है बेटा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। समझ में आ गया बेटा? समझ में आया सबको? नहीं आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो फिर से रिपीट करिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। मुबासरा को समझ में अच्छे से आ गया है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से बेटा क्लास अटेंड की है। आप लोग भी थोड़ा क्लासेस अटेंड करिए टाइम टू टाइम, ठीक है, तो बढ़िया से समझ में आएगा। बाकी आगे कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, आप लोग फिर से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए सबको बाय बाय, सी यू बेटा, बाय, वेलकम बेटा।